सो हाय फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों ग्रुप डी के लिए बम्फर रेलवे में भर्ती निकली हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी भारती 2023 रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का सपना लाखों युवाओं के मन में रहता है, खासकर रेलवे के ग्रुप डी भर्तियों के लिए हमेशा ही उम्मीदवार की निगाह रहती है और ग्रुप की एक ऐसी खुशी बनकर सामने आई है कि जिसके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सबसे अधिक होती है। यदि आप रेलवे में नौकरी के लिए इच्छुक हैं तो जल्द ही आपके लिए एक खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल रेलवे भर्ती के अंतर्गत रेलवे ग्रुप डी और सी के पदों पर भर्तियां निकाली जानी है, जिसको लेकर हम सभी अपडेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी भारतीय रेलवे ग्रुप डी और सी पदों पर करेगी भर्ती। इंडियन रेलवे रेलवे भारती के अंतर्गत रेलवे ग्रुप डी और ग्रुप सी लेवल पदों पर जल्द ही भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी की जा सकती है। भर्ती के नोटिफिकेशन रेलवे ग्रुप डी को लेकर कोई स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से साफ संकेत है कि विभिन्न ग्रुप डी से और ग्रुप भी पदों पर भर्तियां निकाली जाएगी। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैभव ने विपक्ष के एक सवाल पर जवाब के इस रूप में इस बात की पुष्टि की थी कि लाखों पदों पर जल्द ही रेलवे में भर्ती निकाली जाएगी। युवाओं के मन में रेलवे ग्रुप डी और ग्रुप सी सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि कितने पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट और राज्यसभा में दिए गए प्रश्न के जवाब में इस बात पर कुछ संभावित बातें हैं सामने आई है, और इन बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 28,520 के आसपास पदों पर भर्तियां निकाली जाएगी। रेलवे की भर्तियों में ग्रुप डी और ग्रुप सी लेवल पदों पर भर्तियां होगी, लेकिन कौन कौन से पद इसमें शामिल होंगे इसको लेकर अभी कुछ कहना मुश्किल है। फिलहाल पदों की विस्तृत जानकारी के लिए हम लगातार नोटिफिकेशन दोस्तों इस वीडियो में हम जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन पूरी तरह से आपको मिलता रहे। रेलवे की इस भर्ती में शैक्षणिक योग्यता को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तब तक यह कह पाना संभव नहीं है। शैक्षणिक योग्यता की क्या मांग की जाएगी? फिलहाल के लिए संभावित बिंदुओं की बात यदि करें तो 10वीं या 12वीं पास सहित कुछ पदों के लिए ग्रेजुएट स्तर की शैक्षणिक योग्यता मांगी जा सकती है। कुछ पदों के लिए 10वीं पास तथा कुछ पदों के लिए 12वीं पास के लिए, साथ ही ग्रुप डी की लेवल पदों के लिए ग्रेजुएट स्तर शैक्षणिक योग्यता मान्यता मुखी जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अपडेट हमेशा मिलती रहे तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो महत्वपूर्ण अपडेट आपसे नहीं छूटेगी। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।